गाइस अभी हम लोग एक शॉर्ट रेस करने वाले बिटवीन NS 260 एंड डोमिनार 400। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो कैसे है गाइज आप सब लोग। सो गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है ना इस मोटरसाइकिल पे होने वाला है जो कि है पल्सर NS 260। सो गाइज अभी आप बोलोगे कि यार 260 तो लॉन्च ही नहीं हुई है मार्केट में, 260 मिलती कहाँ है यार, झूठ बोल रहा है। तो नहीं गाइज, ये मोटरसाइकिल बिलोंग करती है मेरे दोस्त झंपा को। तो उसने ये मोटरसाइकिल जो है पहले 200cc की थी, उसने रीबिल्ड करके इंजन में चेंजेस करके इसको 260cc बना दिया। ये वीडियो में ना मैं आपको सारा डिटेल्स दे दूंगा कि उसने कैसे ये मोटरसाइकिल को 200cc से 260cc में कन्वर्ट किया एंड उसके लिए खर्चा कितना आया एंड उसके लिए सारा जो इक्विपमेंट उसको लगा वो सारी चीज मैं आज आपको डिटेल में यहाँ पे बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ये है मेरी दोस्त झंपा की मोटरसाइकिल जो कि उसने अभी 200 से 260cc में कन्वर्ट की है। सो अभी हम बुलाते हैं हमारे दोस्त झंपा को एंड उसके बाद उसको कुछ सवाल पूछते हैं जिससे हमको आइडिया आ जाएगा कि उसने ये मोटरसाइकिल को कन्वर्ट कैसे किया। सो भाई सबसे पहले तो अभी हमको ये बता कि ये मोटरसाइकिल कन्वर्ट करते टाइम तुझे क्या क्या इक्विपमेंट लगे एंड वो सारा एकदम मतलब ऐसे भाषा में समझाना कि मतलब सामने वालों को एकदम ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि यार हम लोग इतना तेज इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम लोग को तुरंत समझ में आ जाता है। तो इसके लिए तुझे इक्विपमेंट क्या लगे एंड जो प्रोसेस था वो एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दे भाई। हम लोग ने जो NS 200 थी मेरी पहले, फिर 260 में हम लोग ने कन्वर्ट की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने चेंज किए, जैसे कि इसका बोर जो है कंप्लीट बड़ा कर दिया है। अगर स्टॉक NS का बोर आप देखोगे 72mm का है और इसका बोर जो है 82mm का है। हम लोग ने फिर वेल्स भी इसके चेंज किए हुए, पूरे टाइटेनियम वेल्स है NMW के। स्प्रिंग भी जो है डबल स्प्रिंग्स है, जो नॉर्मल अगर NS देखोगे तो उसमें सिंगल वेल्व के स्प्रिंग ज़्यादा है, इसमें डबल लगा है क्योंकि ज़्यादा RPM तक जो है गाड़ी जानी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा कंप्लीट इंजन, ये जो है 200 से लेके 260cc हो चुका है। यहाँ पे अगर ऊपर अगर आप देखोगे तो हम लोग ने सबसे पहले सिलेंडर हेड पोर्टिंग किया हुआ है NMW के। इसमें टाइटेनियम वेल्व्स है क्योंकि नॉर्मल वेल्व्स इसमें सस्टेन नहीं कर सकते ज़्यादा RPM पे। इस पे जो है डबल स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं, सिंगल स्प्रिंग्स नहीं है इसमें। जो नॉर्मल हमारी NS 200 आती है उसमें सिंगल वेल्व स्प्रिंग्स रहते हैं, इसमें डबल वेल्व स्प्रिंग्स हम लोग ने लगाए हुए हैं। फिर इसका अगर हम लोग कार्बोरेटर देखें, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने फ्लैट स्लैट कार्बोरेटर लगाया, तो वाइड ओपन थ्रॉटल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस हम लोग को इसमें देखने मिलता है। और अगर आप ये पाइप देखोगे तो इसमें PC भी लगाया हुआ है, पॉजिटिव क्रैंक वेंटिलेशन, जो कि इंजन को ब्रीथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो भाई अभी मेरे को एक चीज़ बता, ये बाइक का जो इतना मॉडिफिकेशन तूने किया, इसको 260cc बना दिया, तूने समझा भी दिया हमको कि 260cc इसको कैसे बना सकते, तो अब मुझे एक ये बात बता कि अभी इसके पावर में कितना फ़र्क तेको लग रहा है एंड तेको क्या लगता है कि ये मोटरसाइकिल डोमिनार 400 या फिर KTM ड्यूक या RC 390 को रेस में हरा पाएगी, हाँ या नहीं? तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ने जो है इसका पावर अपग्रेड कर दिया, तो करके दिखाओ। और हम लोग ने एक वीडियो में इसको करके भी दिखाया, 390 के साथ इसको हम लोग ने रेस करा, 390 के साथ हम लोग ने इसको रेस किया था। और ये जो है जीत गई थी वो टाइम पे भी। तो गाइस मैं एक ही बात बताऊंगा, ये सारा चीज़ जो है ये अपसाइज बोर अपसाइज ये सारा चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये सारा चीज़ एक्सेलरेशन के साथ खेलता है। तो कोई भी बोलता है कि मेरी गाड़ी भी 150 जाती है, NS 200 150 जाती है, और मेरी भी 150 जाती है, पर मेरी जो है बहुत ही कम टाइम में 150 जाती है और उन लोग को कितने तो किलोमीटर्स लग जाते हैं 150 कवर करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है पावर अपग्रेड्स अगर आप करोगे तो। मेरी जो है 300-350 मीटर्स में 150 का स्पीड जो है टच कर देती है, तो इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो मतलब इसका रीज़न ये एक हो सकता है क्योंकि तूने सब जो है वो इंजन बाहर से कराया, तो उस पर कुछ कैप नहीं है, मतलब जो RPM लिमिटर टाइप होता है ऐसा कुछ है नहीं, इसके वजह से शायद वो हो रहा है। और लिमिट जो है हम लोग ही खुद सेट करते हैं सारा चीज़। ओके सो भाई एक और मेरे को सवाल था इस चीज़ पे, ये व्यूअर्स ने भी काफ़ी बार पूछा था कि यार अगर आप एक मोटरसाइकिल ऐसे अपग्रेड कर रहे हो वो भी खुद से, तो इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार आपका वीडियो देख के, अभी मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ऑडियंस ये सारी चीज़ ट्राई करेगी, सो उनके लिए एक जो यंग ऑडियंस है जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है एंड ये सारी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है? तो रिस्क के हिसाब से मैं बताऊँ तो पहली बात तो हम लोग रिलायबिलिटी के साथ काफ़ी खेलते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी जो है बिल्कुल भी रिलायबल नहीं रहती है, आप रोज़ इसको चला नहीं सकते। और जैसे जैसे हम लोग बोर साइज इंक्रीज़ करते हैं तो हम लोग का गाड़ी का जो हीटिंग है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, तो डेली तो आप इसको चला नहीं सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत अपसाइज़ करते हो बोर में तो आप डेली चला सकते हो, बट आपने इतना बड़ा बोर कर दिया है और मतलब कंपनी के रिलायबिलिटी इश्यूज़ के साथ काफ़ी आप खेलते हो, तो ये रिलायबल नहीं रहती और हाईवे पे आप डेली इसको नहीं चला सकते हो। तो अभी सारा जो टेक्निकल चीज़ें है वो तो हम लोग ने झंपा से पूछ लिया है कि इसने क्या क्या किया मोटरसाइकिल पे। अभी मेन चीज़ जो है वो सबको जो नड़ेगा, चाहे सभी सबको जिस चीज़ के बारे में सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा, वो इसका खर्चा। तो यार देखो ये मोटरसाइकिल जो है वो 200 से 260cc अपग्रेड करने में टोटल कितना खर्चा आया एंड कितना खर्चा बाकियों को भी आ सकता है, ये सारा चीज़ें एकदम डिटेल में बता दे भाई।
तो गाइज ये सारी चीज़ को अपग्रेड करने में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर आप टू स्ट्रोक के हिसाब से फोर स्ट्रोक को कंपेयर करो, अगर आप टू स्ट्रोक में हम लोग को पावर अपग्रेड करना है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, बट फोर स्ट्रोक का इतना खर्चा नहीं है। ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25,000 में आप कंप्लीटली जो है NS 200 से लेकर 260 बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा खर्चा आपको सिर्फ बोरिंग का आएगा और जो पिस्टन का जो मेन खर्चा है वो आएगा, टाइटेनियम वेल्स हो गए, डबल स्प्रिंग्स लगाने, और कितना आपको अपग्रेड करना है आपकी गाड़ी का वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहिए तो छोटे पैकेज में भी आप कुछ अच्छा बना सकते हो, 5 to 6,000 में भी एक अच्छा इंजन आप बना सकते हो, बट आपको एकदम एक्सट्रीम जाना है तो 20, 25K या 30K में आपका एकदम कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। सो गाइज एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी ना तो कोई ऐसा मैकेनिक पकड़ो जिसको आपको जिसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इसको भाई ये बाइक को पूरा खुल के वापस लगा सकते हैं, इसमें उतना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। डेली डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, इसका ये हो गया, थोड़ा बहुत चीज़ कुछ भी खराब हो गया तो खुद से ही हम लोगों को करना पड़ता है, बिकॉज ये एक रेस मशीन है तो थोड़ा बहुत जो है ट्यूनिंग हमेशा करते ही रहना पड़ता है, धीरे धीरे ट्यून करते करते ये जो है अच्छे मतलब और दिन ब दिन और जो है बेटर हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, और जो आपका जो बाइक है खोलने से पहले 10 बार सोचो कि आपके पास वो उतना रिसोर्सेस है या नहीं, या आप उतना मैनेज कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि ये मैकेनिक वगैरह आपको हर बार नहीं मिलेगा। जैसे इसने अभी बताया कि गाड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकती है क्योंकि आप उसको छेड़छाड़ कर रहे हो थोड़ा बहुत। सो ये चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको नॉलेज होगा तो प्लीज़ जल्दी आगे बढ़ो और ऐसा कुछ तो बना के हमको ज़रूर उसमें टैग बैक करो। अभी हम लोग एक शॉर्ट रेस करने वाले बिटवीन NS 260 एंड डोमिनार 400, एक सेकंड गियर का रेस होगा जिसमें हम सेकंड गियर पे अपने दोनों मोटरसाइकिल्स को टॉप स्पीड पे लेके जाएंगे। सो अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा, आपको पता चल ही जाएगा। सो लेट्स गो गाइस, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग क्योंकि पहली बार हम लोग रेस कर रहे हैं डोमिनार के साथ में। सो गाइस लेट्स गो। बहुत फास्ट है पर ऐसा पूरा धड़धड़ होता है, हैंडल नहीं रहा था अभी मालूम है ये वाइब्रेशन भाई रोज नहीं चला सकता है। रॉ पावर है बोलते हैं ना, वो रॉ पावर है भाई, भाग रही है भाई कड़क भाई, तो एकदम बराबर गियर देगा ना ऐसा पूरा ये सो यही था गाइज आज के इस वीडियो के लिए। थोड़ा डिटेल वीडियो हम लोग ने बना दिया है इस पूरे NS 260 पे, एंड रेस करके भी हम लोग ने पूरा दिखा दिया आपको कि कैसा कौन सी मोटरसाइकिल जीत रही है। तो ऑब्वियसली NS ही जीती, पर यार मैंने जब चला के देखी आज पहली बार चलाई, वाइब्रेशन थोड़े ज़्यादा है, वाइब्रेशन इसके काफ़ी ज़्यादा है और रॉ पावर है ना एकदम, इसलिए थोड़ा सा ऐसा फील होता है, पर पावर एक्सेलरेशन आप एकदम देख कर ही आपको, एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि यार NS मैंने इतनी फास्ट चलाई नहीं थी कभी, पर वाइब्रेशन अगर थोड़े कम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा यार, वो भी एक बार देख ले तो मज़ा आ जाएगा। सो बस गाइज यही था आज के वीडियो के लिए, बहुत ही मस्त मोटरसाइकिल बनाई है इसने। सो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज, देन टेक केयर एंड बाय बाय।